आपका शरीर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। क्या आपको पता है कि सोने से पहले आपको यांस क्यों आते हैं? क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में सबसे स्ट्रांग पार्ट क्या है? आपका हाथ, पैर, ये सब नहीं, आपका सबसे स्ट्रांग बॉडी पार्ट है आपका ब्रेन। इसी तरह कुछ रैंडम बॉडी फैक्ट्स जो आप जान के आपका चेहरा इस इमोजी तरह हो जाएगा। तो बिना लेट करते हुए लेट स्टार्ट आवर वीडियो। टाइम ऑफ स्लीपिंग। आप दिन भर बहुत सारा हार्डवर्क करते रहते हैं और अब सवाल आता है, कितना समय तक आप रात में सो जाते हैं? आप करीब 7 to 9 आवर्स तक सो जाना चाहिए, क्योंकि 6 to 13 ईयर्स के बच्चों को 9 से 11 आवर्स, 14 to 17 एज वालों को 8 to 10 आवर्स, 18 to 64 एज लोगों को 7 to 9 आवर्स सो जाना चाहिए, और बाजू में मिनिमम और मैक्सिमम टाइम भी है। और आप चाहे तो आपके एज के अकॉर्डिंग आपके सोने के टाइम चेंज कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स बिफोर स्लीपिंग। दोस्तों, आपको कुछ बार रात में सही से नींद नहीं आती, क्योंकि आप इन कामों कर रहे होंगे कि दिन में सोना, रात में ज़्यादा एक्सरसाइज करना, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें कैफीन भरा होता है उसे पी लेना, और रात में ज़्यादा खाना खा लेना जैसे कि स्पाइसी फूड। और दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सोने से पहले आपको काम आए। व्हाट हैपेंड इफ यू नॉट स्लीप। दोस्तों, हम सबको जरूर सुकून से सो जाना चाहिए। अगर हम ना सो जाए तो हमको कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी लॉसेस, कैंसर, डायबिटीज और बहुत कुछ। व्हाट हैपेंड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ नो स्लीप, यानी कि 2 दिन तक ना सो जाए तो क्या होगा? हम सबको पता है कि हम बहुत ही मेहनती है, अगर हम 2 दिनों तक ना सो गए तो हम बहुत कुछ सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि परफॉर्मेंस बिगड़ना और कम्प्लीटली हमारा ब्रेन अनकॉन्शियस में चल जाना। व्हाट कॉज ए पर्सन नॉट टू स्लीप फॉर डेज। हार्ट बर्न, डायबिटीज, किडनी, रेस्पिरेटरी, थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स, और सही से ना सोए तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। व्हाट हैपेंड इफ यू डोंट स्लीप फॉर 11 डेज। सही से 11 दिन ना सोए तो क्या होगा? हमारे इस बॉडी को रेस्ट चाहिए, और इसे चकमा देते हुए एक इंसान 11 दिन तक बिना सोए रह पाया, और उसका नाम है रैंडी गार्डनर, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वे करीब 264 आवर्स बिना सोए जग रह पाए, और हमको 4 दिन जगने पर ही लेनिकेट स्टार्ट हो जाएंगे। और वे 16 साल की उम्र में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उनको बहुत सारा केयर लिया गया उन टाइम में, और कुछ लोग ट्राई करते समय उनकी मौत हो गई। क्या आपको कभी यह आंसर है? आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं, मैं जोक बोल रहा था, अब मैं बोलूँगा कि यांस क्यों आते हैं। असल में आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, और वो आपको एक सिग्नल भेजता है कि बस है, बहुत हो गए, जागना। इसी तरह आपको यांस आएंगे, जैसे कि कुछ टाइम सोने से पहले और आप बोर होने के वक्त आपको यांस आएंगे। द करेक्ट पोजीशन फॉर स्लीपिंग। हम सब दुनिया भर में कहीं ना कहीं रहते हैं, और सवाल आता है आप किस पोजीशन में सोते हैं। और दुनिया भर में साइंटिस्ट खोजा कि 18 साइड्स मोस्ट पॉपुलर है, और उनमें ज़्यादातर पॉपुलर 4 साइड्स है, बैक साइड, फेटल पोजीशन और स्टमक। करेक्ट पोजीशन है लेफ्ट साइड। और आप किस साइड में सोते हैं नीचे कमेंट में लिखिए। और अब चलते हैं बच्चों के पास। बेस्ट स्लीप पोजीशन फॉर बेबीज। छोटे बच्चों को हमेशा अपने पीठ पर या बैक पर सुलाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टमक पर सुलाया तो आप बच्चों को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम आने की चांस ज़्यादा है। इसी तरह हर 2 दिन में एक बार मैं आप सबके लिए अमेजिंग वीडियो लगाऊंगा। मेरे इस वीडियो को आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करो, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।